समाचार दर्शन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। नेटिव लैंड्स ट्रस्ट बोर्ड के भूतपूर्व जनरल मैनेजर कालीवाती मकानी को सुबह हाईकोर्ट ने दफ्तर के दुरुपयोग वाले पांचों अभियोगों में दोषी पाया है। मकानी ने आज सुबह इन सभी अभियोगों को स्वीकार किया है। मकानी पर ऐसा अभियोग है कि उसने झूठ बोलकर $3 मिलियन के एक्सटिंक्ट मतंगाली के पैसों को वनुआ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और बल्लू खान की कंपनी पैसिफिक कॉनेक्स लिमिटेड को दिया था। मकानी ने फिर गवर्नमेंट ग्रांट की अर्जी लगाई थी, जिसे बाद में नेटिव लैंड ट्रस्ट बोर्ड के जरिए वनुआ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को दिया गया। इन पैसों को फिर बल्लू खान के पैसिफिक कॉनेक्स लिमिटेड को सिक्योरिटी लोन के रूप में दिया गया। पैसिफिक कॉनेक्स लिमिटेड के मालिक बल्लू खान थे और मकानी ने अपना अधिकार का दुरुपयोग करके कई बार PCX लिमिटेड को कर्ज देने की स्वीकृति दी थी। ये पैसे आदिवासी जमीन मालिकों के थे। मकानी को बाद में सजा सुनाई जाएगी, लेकिन फिलहाल मामले के दूसरे अभियुक्त केनी द क्वीन रिकेती का मुकदमा बुधवार से शुरू होगा। द क्वीन रिकेती ने अपने ऊपर लगे सभी अभियोगों से इनकार किया है। नावो अस्पताल के एक स्टाफ नर्स को सस्पेंड किया गया है, जब उसने गलत रूप से निर्णय ली थी, जिसकी वजह से एक नवजात शिशु की मृत्यु हो गई। ऐसा आरोप है कि इस नर्स ने 27 वर्षीय एक महिला को, जो लेबर पेन में थी और नावो अस्पताल गई थी, को खुद अपने ट्रांसपोर्ट में CWM अस्पताल जाने की मांग की, क्योंकि उनका फाइल वहाँ नहीं था। इसके बाद महिला एक टैक्सी में CWM अस्पताल गई, जहां उसकी नवजात शिशु की मृत्यु हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि स्टाफ नर्स को सस्पेंड किया गया है, जब छानबीन जारी है। ब्रिटिश सरकार फिजी को सितंबर में होने वाले आम चुनाव में सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है। ब्रिटिश हाई कमिश्नर रॉड्रिक ड्रमंड ने FBC न्यूज को बताया कि वे इलेक्शंस ऑफिस को सहायता प्रदान कर रहे हैं। ड्रमन ने यह भी बताया कि सितंबर इलेक्शंस के लिए एक इंटरनेशनल ऑब्जर्वर का भी चुनाव करेंगे। और खेलकूद में कुक आइलैंड्स रग्बी टीम शनिवार को होने वाले फ्लाइंग फिजियंस के खिलाफ खेल के लिए आज देश पहुंची। दोनों टीमें 2015 रग्बी वर्ल्ड कप में क्वालिफाई होने के लिए लोटोका में मैदान लेंगी। इस खेल की विजेता इंग्लैंड में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई हो जाएंगी। खेल शनिवार की शाम 3 बजे शुरू होगा और आप इस खेल के लिए कमेंट्री हमारे बुला FM पर सुन सकेंगे। और ये थे आज के मुख्य समाचार। कल हमारी मुलाकात फिर होगी, तब तक के लिए नमस्ते, खुदा हाफिज। Gold FM is our favorite radio station here in Lautoka. Gold FM is number one in Nen. I love listening to Gold FM in Ba. We love listening to Gold FM, only the classic hits here in Suva. Hear about Heart of Gold, you immediately think of gold. I'm Josephine Sabi and I love hearing Gold FM. Gold FM, only the classic hits.